लिबास रहते हैं, लिए ज़बानों अदब की मिठास रहते हैं। मुझे तो उनका पड़ोसी बना दे रहे मौला, जो लोग शहर मदीना के पास रहते हैं। मुझे तो उनका पड़ोसी बना दे रहे मौला, जो लोग शहर मदीना के पास रहते हैं। बहुत ही अच्छा बयान आपने समाप्त किया, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने समाप्त की। अल्लाह ताला मौलाना आमिर साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप लोग आमीन कह दें, वापस से कह दें आमीन। क्योंकि जब किसी के लिए नेक दुआएं की जाती हैं तो उस पर बहुत ही जल्द आपको आमीन कहना चाहिए, क्योंकि नेक दुआओं में फरिश्तों की भी आमीन शामिल हुआ करती है। तो मुस्कुरा लें और कह दें या रसूल अल्लाह, वापस से कह दें या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार की आमद का महीना चल रहा है। शायद ने कहा था सखा का शोर सुनकर हाजिर दरबार आए हैं, करम की भीख मिल जाए तेरे बीमार आए हैं। सखा का शोर सुनकर हाजिर दरबार आए हैं, करम की भीख मिल जाए तेरे बीमार आए हैं। कहा हूरों ने हूरों से चले हम मामिना के घर, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा सरकार आए हैं। कहा हूरों ने हूरों से चले हम मामिना के घर, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा सरकार आए हैं। हलीमा कहती थी अरे औरतों आओ मेरे घर में, गरीबों के नगर में अहमद मुख्तार आए हैं। हलीमा कहती थी अरे औरतों आओ मेरे घर में। हजरत नबी की आमद पर दुनिया के बड़े बड़े शोरा इकराम ने नातिया शायरी की। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह बदमे शहे उमम में बसत शान आए हैं, लेने सभी नजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी बारवी में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी बारवी में निकाले न क्यों जुलूस, किसी ने कहा दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, यानी वो महबूबे रहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील मगर, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील मगर, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। आप बहुत ही संजीदगी के साथ में समाप्त कर रहे हैं, क्या शेर अच्छे नहीं लग रहे हैं आप लोगों को? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कहे ना सुभान अल्लाह, और जरा मुस्कुरा कर कह रहे सुभान अल्लाह। सारे लोग अपना हाथों को उठा कर कह रहे या रसूल अल्लाह। देखिए बहुत ही अच्छा आवाज का पैकर भाई मोहतरम जनाब शाहिद रजा साहब किबला, जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में धीरे धीरे सफर करता हुआ, और न जाने कई रात को हम लोग साथ रहे, ताकि अल्लाह जाने वो कहां कहां रहे, लेकिन आज भी हमारे साथ है। आपको सुनना है और सुन करके दिखाना है, जितनी देर चाहेंगे उतनी देर वो सुनाएगा, समझ रहे? बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी आवाज में कशिश अता फरमाए। क्या कहते मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, दिल से कहते हैं दिल से या रसूल अल्लाह। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे मैं हाथ उठवा रहा हूँ, मैं आपसे सुभान अल्लाह बुलवा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। आप उठाएंगे आपको सवाब मिलेगा, आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको सवाब मिलेगा। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ ताकि आप कुछ देर अल्लाह का जिक्र कर ले, कुछ देर अपने नबी का नाम ले ले, ये जबान पाक हो जाए। मुस्तफा का नाम लिया करे, नबी का नाम लिया करे, जबकि दिल घबराए आका को याद कर ले, इंशाल्लाह आपके दिल की घबराहट दूर हो जाएगी। मैं भी चाहता हूँ कि उस रंग में बोल दूं, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपने देखा होगा बहुत से लोग जानते हैं कि बड़े बड़े मुशायरों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल झंडे गाड़ करके निजामत करता हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन बस आप शरीक हो जाए, मैं इसमें भी बोल सकता हूँ, कम है कमी का एहसास ना करें। ये फकत अजमत और किरदार के कब होते हैं, जंग के फैसले तलवार के कब होते हैं, सिर्फ तादाद के मौकूफ नहीं फतेह मुझे, करबला वाले हो तो बहत्तर ही गजब होते हैं। आप इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इधर हाथों को लहराकर कह दें या रसूल अल्लाह, और इधर मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और इधर दिल लगाकर कह दें या अली, मोहब्बत से कह दें मोहब्बत से या अली या अली या अली। शायर ने कहा था सितम की सदमे से हुक्म पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। आप बोलते रहेंगे मैं शेर पढ़ता रहूंगा, जो हाथों को उठाते रहे सुभान अल्लाह बोलते रहे, या अली की सदा लगाए पर और कह दे या अली या अली या अली। शायद ने कहा था सितम की सदमे से हुक्म पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा, सितम की सदमे से हुक्म पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। यहाँ काबे में पैदाइश वहां जन्नत में सरदारी, अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा, अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा, अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा।